हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संख्या पद्धति पर। जी हाँ साथियों, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे पहले हमने रीट में के दो वीडियो पे चर्चा की थी, पहला 1 करोड़ तक की संख्या, दूसरा स्थानीय मान। उन सब के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उसको रीट की तैयारी करने के लिए उनको अवश्य ही देखें। मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा, आप भी मेरे साथ बने रहिए। चलिए तो हम सब शुरू करते हैं वीडियो। अपना है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। देखिए, सब बात करते हम पहले कि जब आदमी ने, इंसान ने किसी वस्तु को गिनने की कोशिश की होगी, किया हुआ, तब उन्होंने एक नंबर याद किए है जो हम इस प्रकार से लिखते हैं। प्रकृति में जो नंबर पाए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3 और ये अनंत तक नंबर चलते हैं। हमने करोड़ तक की संख्या में संख्या के बारे में जाना, संख्या अंकों के बारे में जाना, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रकृति में पाए जाते हैं इसलिए इसको प्राकृतिक संख्याएं या इसको हम प्राकृत संख्याएं, इसको हम n से लिखते हैं और ये क्वेश्चन में लगा के 1, 2, 3 अनंत तक। अनंत का मतलब ये है कि आगे चलती रहती है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील संख्या तक चलती रहती, इनका कोई अंत नहीं है। इसको हम नेचुरल नंबर के जानते हैं, नंबर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए साथियों, जैसे कि इसके आगे की हम बात करते हैं तो देखिए अपने पास क्या है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा देता हूं। जैसे कि कोई ये आदमी है और ये भी कोई, दोनों दोस्त है आपके, ठीक है ना। इसके पास जैसे कि 10 रुपए है और इसको 10 रुपए की आवश्यकता है। क्या है आवश्यकता है? ये इससे मांगता है कहीं मुझे 10 रुपए दे दे, तो ये दोस्त होने के नाते ये 10 रुपए इसको दे देता है, ठीक है ना। तो अब इसके पास क्या बचा? तीसरा कोई आदमी आता है, इसका दोस्त कहता है तेरे पास क्या बचा? ये क्या कहता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं बचा का क्या मतलब यहां पे? कुछ नहीं का मतलब क्या है? कुछ नहीं का मतलब इसके पास पैसा एक भी नहीं बचा। कुछ नहीं का हमारे गणित के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, एक इसी में एक अंक और जोड़ दिया, जैसे 0 फिर 1, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब यहां 0 से लिया गया, जिसकी खोज हमारे आर्यभट्ट महोदय ने की है। तो यहां से लिया गया 1, 2, 3, 4, आगे अनंत तक चलती रहती है। इसी को हम पूर्ण संख्या के रूप में, साथियों पूर्ण संख्या हम कहते हैं। इसको हम W के द्वारा लिखेंगे। किसे लिखेंगे? W के द्वारा। और इसको होल नंबर, WHOLE, होल नंबर के नाम, इंग्लिश में इसको होल नंबर के नाम से जानते हैं संख्या पद्धति में। तो चलिए साथ इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। अगर इसके बाद भी, जैसे आपने संख्या रेखा आपने पढ़ी है, संख्या रेखा जैसे ये होता है, अब जैसे इसी उदाहरण से मैं एक और बदलता हूं आपको। संख्या रेखा की बात की है तो जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2, 1, 2, 3 और इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर इसके पास इसको 20 रुपए की आवश्यकता होती, कितनी? 20 रुपए की, तो इसके पास तो 10 ही है, तो ये क्या करता, 10 किसी और से मांग लेता और इसके पास क्या हो गया, 20 हो गया, 20 इसको दे दिया। लेकिन इसके पास क्या रहा? इसको तो 10 और देने रहे, जो और देने रहे उसको हम क्या करते हैं, माइनस में लिख देते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, 1, 2, -3 और इस प्रकार से आपका चलता रहता है -10। इस प्रकार की संख्याएं आ जाती है। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है साथियों, ये आपकी जैसे तीसरे नंबर की संख्या, ये आपकी पहले प्राकृत संख्या हो गई, दूसरी पूर्ण संख्या हो गई, तीसरी आपकी जो होती है पूर्णांक। क्या है साथियों? पूर्णांक।
पूर्णांक को हम लिखते हैं जैसे इंटीजर से पूर्णांक आई से लिख लेते हैं और ये अपना इन्फिनिटी से डैश डैश माइनस तीन माइनस दो माइनस एक और जीरो एक दो तीन और अनंत तक इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ये आपके पूर्णांक हो गए जिसमें आपकी प्लस की संख्या भी है और माइनस की संख्या भी है और जीरो भी है। आगे की चर्चा करते हैं जो अपने चार नंबर की आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर, ये क्या होते हैं? देखो ये आपके जो होता है, ये जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, पहली कंडीशन तो ये होगी। और दूसरी आपकी क्या है, ये Q Q जो है आपका हर वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q है आपका जो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका पूर्णांक इधर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो। तीसरा इसमें ये है कि P व Q पूर्णांक है, यानी कि ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। ये आपकी जैसे आपका तीन बटा चार, पांच बटा छह, सात बटा नौ, ये आपकी सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब साथियों अगर परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या भी होती है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है उसके बारे में, तो अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स, इसका मतलब होता है साथियों जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। हाँ साथियों यही है, जिसको P बटा Q के नहीं लिखा जा सकता है। जी हां, जैसे कि आपकी रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, रूट सात, रूट ग्यारह और ये पाई। जी हां साथियों, पाई भी एक आपकी अपरिमेय संख्या ही है। अब साथियों जब हमने पढ़ लिया कि हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक पढ़ लिए, परिमेय संख्या पढ़ ली, अपरिमेय संख्याएं पढ़ ली, तो हमारे पास बचता कि इन सभी संख्याओं को एक साथ मिला दें। अभी सभी संख्याओं को हम अगर एक साथ मिलाते हैं तो हमारे पास बनती है वास्तविक संख्याएं, संख्याएं। जी हाँ साथियों, वास्तविक संख्या का मतलब अपना होता है जिसमें सभी सम्मिलित सम्मिलित है, जिसमें पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, आपका परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, सारी संख्या इसके अंदर सम्मिलित होती है, उसको हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब आ जाती हूं, इसके अलावा आपके पास कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो वास्तविक नहीं होती है, जैसे कि जो वास्तविक नहीं होती है उसको हम काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि काल्पनिक होती क्या है। कुछ चीजें जैसे एक आपका रूट में संख्या, जैसे कि आपने क्लास टेंथ में पढ़ा हो, वहां द्विघात समीकरण हम देखते हैं तो उसमें कुछ संख्याएं जो आपका विभक्तिकरण वाला, उसका मैं वीडियो बना के डाल रखा है चैनल पे, आप चाहे उसका लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो उसमें यह है कि काल्पनिक का मतलब होता है जो, यानी कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है, जैसे कि आपका अंडर द रूट माइनस तीन। जी हाँ साथियों, ये है आपकी काल्पनिक, जैसे कि अंडर द रूट माइनस पांच, ये है आपकी काल्पनिक। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई, हालांकि इस रेट के सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पांच इंटू माइनस एक
ठीक है दोस्तों। और माइनस ए को हम इस प्रकार से लिखते हैं, पांच ये आई, आई का मतलब यहां आयोटा ऐसे है, आयोटा कहते हैं, और ये आगे चल के इस प्रकार से काम में लेते हैं। और ये आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं, क्या है काल्पनिक संख्याएं, इसको इमेजरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना साथियों, एक बार मैं वापस रिपीट कर लेता हूं। देखिए आपकी परिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और काल्पनिक संख्याएं हैं। तो हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की हमने बात की है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसके अब देखिए जैसे कि मैं एक बटा दो लिख लेता हूं, कुछ संख्याएं इस प्रकार से, एक संख्या मैंने इसको इस प्रकार से लिखी, इसको हम दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किस प्रकार से होता है, ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको एक बटा दो लिखा या हम इसको एक बटा चार है लिखते हैं और हम इसमें भाग देते हैं, तो देखिए साथियों अपना भाग देते, जैसे एक बटा दो है यानी एक में दो का भाग देना दशमलव लग जाएगा अपना, क्योंकि एक में भाग दिया जाएगा, तो अपना यहां पे क्या होगा, ये जीरो हो गया। फिर दो का भाग देना है, पांच बार गया, ये जीरो जीरो, यहां पे शेषफल अपने पास क्या हो गया, जीरो आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास शेषफल जीरो आया। इसी प्रकार अगर इसमें हम भाग देते हैं तो अपने पास ये आठ बार, दो बार एक आठ, फिर जीरो, फिर पांच, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ एक या दो स्थान तीन स्थान बाद भाग देने पर शेषफल आपके पास जीरो आ जाता है। शेषफल जीरो आ गया, इसका मतलब आपकी संख्याएं आगे इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं उसको हम शांत दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं, यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत हो रुक जाता है, शेषफल जीरो आ जाता है। ठीक है दोस्त, इसके अलावा अपना क्या है, जैसे कुछ नंबर होते हैं जैसे एक बटा तीन, एक बटा तीन की बात करते हैं, हम इसमें भाग देते हैं एक में तीन का, तो जीरो दशमलव जीरो, दशमलव गया जीरो आ गया, इसका भाग देंगे तीन, नौ, एक, फिर नौ, फिर एक, इस प्रकार से तीन 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 चलता रहता है। तो एक बटा तीन बराबर अपने पास जीरो दशमलव तीन 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 आगे चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, जीरो पॉइंट तीन, ये तीन बार बार आ रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बार लगाते हैं, एक रेखा खींचते हैं, इस रेखा को हम बार कहते हैं, बार का मतलब बार बार आती है, इसलिए हम इसको बार 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 के नाम से जानते हैं, जीरो दशमलव तीन बार, ये अपना हो गया। लेकिन खत्म कहीं नहीं हो रहा है, एक चीज तो ये हो गई, दूसरा जैसे कि अपने पास एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही पुनरावृत्ति हो रही, लेकिन एक चीज और होती है इसमें, देखो साथियों, जैसे कि आपके पाई लेते हैं, 22 बटे 7 लेते हैं या 1 बटा 7 लेते हैं, पाई का मान भी आप निकालते जाइए, 50 अंक तक तो निकाल रखा, कहीं संख्या वापस नहीं आती है, और इस प्रकार का जो होता है उसको अशांत दशमलव प्रसार, या इसको अशांत, इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव इसको हम कहते हैं कि जहां आवृत्ति हो रही संख्या की, एक बार 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 आवृत्ति हो रही है, इसको अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हम कहते हैं। अब जैसे एक बटा सात का है तो अपने लिखते हैं, जैसे इसमें भाग देते हैं आप, तो ये संख्या आपकी बार बार आएगी, इसलिए आपका अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो गया। लेकिन ये पाई है,
इसमें कोई संख्या आपकी रिपीट नहीं होती, बार बार नहीं आती है। इसको हम कहते हैं शांत अनावर्ती दशमलव। यहां पाई का मान आप 50 अंकों तक निकाल लीजिए, कभी भी संख्या इस प्रकार से आपकी रिपीट नहीं होती, जैसे इसमें हुई बार बार, इसे रिपीट बार बार नहीं आती, उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्याएं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम क्या करते हैं, इनके कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपना सवाल है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़। देखिए इसमें हम दोनों पद्धति बताऊंगा, मैं बेसिक रूप से कैसे हल करते हैं और कंपटीशन में हम किस प्रकार से हल करते हैं, दोनों ही चीजें। माना हम मान लेते हैं कि संख्या एक्स है, ठीक है ना, तो इसने कहा कि संख्या एक 50 में पूर्ण संख्या जोड़नी है, ये 50 में पूर्ण संख्या का योग, यानी हमने एक्स मानी, 50 में एक्स जोड़ दिया। 50 में पूर्ण संख्या घटानी है, यानी ये 50 है इसमें से हमने घटा दी। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि दोनों का जोड़ कितना है, एक तो ये है, दूसरी ये है, 50 प्लस एक्स, 50 माइनस एक्स, आपका एक्स एक्स कट गया, बराबर आपके पास 100 आ गया। आपका आंसर एक नंबर पे जो भी है वो मार्कशीट में लिखना। अब आपको एग्जाम के अंदर इतना नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है कि संख्या मान ले, अपने मन में मान ली एक्स है, उसमें से 50 में एक्स जोड़ लिया, ये प्लस 50 में एक्स जोड़ दिया, फिर उसमें से 50 में से ही एक्स वो संख्या वापस घटानी, ये 50 माइनस एक्स, ये आपके पास क्या गया, देखिए 50 और 50 आपके पास 100 आ गया। देखिए इसमें हमें टाइम लगा, इसमें अपने को 10 सेकंड भी नहीं लगे। इस ट्रिक से आपको एग्जाम के अंदर, रीट के अंदर, या कोई सा भी कंपटीशन में आप बैठे हैं, इस के अनुसार करना है। हाँ तो साथियों, अपना ये सवाल है कि 2 की घात √3 है, ये उद्योग निरीक्षक अधिकारी 2018 में आया हुआ है, ये क्या है। हम जानते हैं कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सीधा ही बिना कुछ देखे ही हम क्या करते हैं, जो आंसर अपरिमेय संख्या है वही हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3। फॉर्मूला शीट में इसी को लगाना है, ध्यान से सुनेगा, ये बहुत ही अच्छे से प्रश्न है। ये प्रश्न है कि यदि दो प्राकृत संख्याओं ए और बी के लिए आपका देगा 1 की घात b = 125, ठीक है ना, अपने को ज्ञात करना b की घात a क्या होगा, यही चीज हमें ज्ञात करनी। देखिए हम इसकी तुलना कर लेते हैं, इसको मैं लिखता हूं 5 × 5 × 5, यानी 1 की घात b = 5 की घात 3, इनकी तुलना हम करते हैं तो a बराबर अपने पास क्या हो गया 5, b बराबर अपने पास 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास सीधा से क्या करेंगे, यहां पर ये जो दे रखा है तो b यानी 3 और इसकी घात 5, यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इसमें जो आपका आंसर होगा आप इसको गुणा करेंगे तो 243 आंसर आएगा, ये आपका आंसर होगा। जो भी एबीसीडी में आपको दिया होगा उसमें आपको जिसमें ये नंबर आया उसी को आपको सही करना है। हाँ तो दोस्तों, आपका प्रश्न है कि 11,111 का प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से कौन सी संख्या जो आपका 11 इन संख्या का प्रतिनिधित्व करती है वही हमें देखनी। देखिए इस प्रकार के सवाल बहुत बार आते हैं, तो इसमें अपना क्या करना है, जैसे 11,000 हम क्या इसको सीधा सीधा बताता हूँ, ये आपकी 11,000 लिखा, फिर 1100 ये 1100 लिखा, फिर 11 ये 11 लिखा, इस ये 11 से 11 लिख दिया, 1100 लिख दिया, 11 लिखा, इसको जोड़ा एक एक फिर एक, ये एक एक दो और ये 12,111, ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी लोग 11,111 ये कर देते हैं, ये गलत है और ये आपका सही है। ठीक है दोस्त, अब इसी प्रकार परिमेय संख्या पर आधारित सवाल है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है 3/5 और 4/6 के मध्य नहीं है। देखो आप इसको चाहे तो दशमलव में परिवर्तित भी कर सकते हैं,
लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, हम क्या करते हैं ऐसा संख्या से गुणा करते हैं कि इनका मान। हाँ तो दोस्तों अपने पास प्रमेय संख्या है 3/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 4/5। मैंने क्या किया इसको 36 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसको भी 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये 6×18/30 हो गया, 24/30 हो गया, यानी 18/30 और 24/30 के मध्य अगर कोई संख्या है वो आपकी इसके होनी चाहिए, इसके मध्य के बीच में नहीं है तो वो नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी, बात करते हैं पहले अपने 7/10, इसको मैंने क्या हर को 30 में बदल दिया, तो ये 7×21/30 यानी इसके मध्य है। दूसरी संख्या की बात करते हैं ये 19/30, ये भी 18 से 24 के मध्य है, ये भी है। आपकी तीसरी क्या है 2/30, इसको 10 से गुणा किया 20/30 30, तो ये भी इसके मध्य है। अब आपके पास चौथी बची है जो 16/30, यानी कि 16 इनके बीच में नहीं आता, हर तो समान कर लिया हमने और ये इसके बीच में नहीं आता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 4। हमारे शीट में आप क्या लिखेंगे 4। ठीक है दोस्तों, अपना यूपी टेट में आया सवाल नवंबर 2018 में 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, इसमें ज्ञात करनी। दोस्तों कहीं कहीं प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, दोनों ही एक ही है, प्राकृत कहे या प्राकृतिक कहे, प्रकृति में जो संख्याएं पाई जाती है उसको प्राकृतिक संख्या, इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसको हम एन से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याएं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसका सबसे छोटी से छोटी का मतलब यही है कि इन सबका हमें लघुतम ही ज्ञात करना है, और कुछ भी नहीं है, केवल प्रश्न को घुमा के दे रखा है, बाकी सबसे छोटी से छोटी। लघुतम का मतलब होता है वह संख्या जिसमें इन दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, छोटी से लघुतम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। इन चार में से ऑप्शन अपने को लेने, हमें इसका लघुतम याद करना है, दो का भाग देंगे इसमें 1, 1, 3, इसमें 2, 5, 3, 7, 4, 9, ये 5। ठीक है, फिर दो का दे देंगे अपन, इसमें 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, ये 2 और ये 9 और ये 5। फिर दो का देंगे इसमें तो 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9 और 5। फिर 3 का देंगे हम, इसके बाद देखिए अपने पास क्या 3 है, ये 1, 1, ये 1, फिर 1, 5, 1, 7, 1, 3, ये 5। फिर 3 का देंगे इस प्रकार से आपके पास, और फिर अपने 7 का देंगे तो सभी जगह 1 बच जाएगा। इस प्रकार से इसका लैसे जो हम निकालते हैं आपका हो जाएगा 2×2×2×3×3×5×7, और इसको गुणा करेंगे तो अपने पास 2520 आ जाएगा, जो कि आपका तीसरा आंसर सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रीड में मैं आपके साथ पूर्ण रूप से जुड़ा रहूंगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।